DTV ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। पाकिस्तान रे बढुची आर्थिक संकट, 6 मंत्रणालय बंद, 1.5 लाख चाकरी उच्छेद। आर्थिक संकट रे भारतर पड़ोसी देश पाकिस्तान, तबे वर्तमान कर्मफल भोगुची पाकिस्तान। जातिसंघ रे पाकिस्तान विरुद्ध रे बर्षिले वैदेशिक मंत्री जयशंकर। नमस्कार, देश विदेशर अपडेट न्यूज सहित DTV ओडिया को आपण समस्तंकु स्वागत। दर्शक बंधु, आर्थिक संकट देई पड़ोसी पाकिस्तान गति करुछि। IMF ठारु पांठि आणिबाकु शरीफ सरकारंकर कठोर पदक्षेप। 6 मंत्रणालय बंद, 1.5 लाख चाकरी उच्छेद। घोर आर्थिक संकट देई गति करुथिबा पड़ोसी देश पाकिस्तान अंतर्जातीय मुद्रा पांठिरु आर्थिक सहायता पाइबा पाई केतेक कठोर पदक्षेप ग्रहण करिछि। एहा निजर 6 मंत्रणालय को बंद करिबा सहित 1.5 लाख सरकारी पदवी उच्छेद करिछि। प्रशासनिक खर्च कम करिबा लागि पाकिस्तान एपरी कठोर पदक्षेप ग्रहण करिथिबार जणा पडिछि। फळरे पाकिस्तान को 700 कोटी डॉलर देबाकु IMF राजी होइथिबा बळे प्रथम पर्यायर 100 कोटी डॉलर जारी करिछि। IMF सहित डील संपर्क रे पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोहम्मद औरंगजेब ए संपर्क रे सूचना देछंती। तबे पाकिस्तान निजर कर्मफल भोगुछि एभळी कहि जातिसंघ रे पाकिस्तान उपरे बर्षिछंती जयशंकर। जातिसंघ रे पाकिस्तान विरुद्ध रे बर्षिछंती वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। कहिले कट्टरपंथ एवं आतंकवाद आधार रे मपा जाउछि पाकिस्तान GDP। तबे जयशंकर पाकिस्तान जातिसंघ साधारण सभा को उद्बोधन दे पाकिस्तान को कटाक्ष करिछंती वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर। से कहिछंती निजर कुकर्म पई फल भोगुछि पाकिस्तान, निज को ही बर्बाद करिबारे लागिछि। पाकिस्तान ने जहाँ भी किछि हेउछि ताहा कर्मर फल बोली कहि कटाक्ष करिछंती जयशंकर। आतंकवाद द्वारा निर्णय हेउछि पाकिस्तान GDP। जातिसंघर साधारण सभा अधिवेशन रे पाक प्रधानमंत्री काश्मीर प्रसंगरे भारत विरुद्ध रे विष ओगाळीबा परे पाकिस्तान को मिलिछि एहार कड़ा जवाब। जातिसंघ साधारण सभा को संबोधन करी भारतर जवाब रखिछंती वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान को ताश्चल्य करिछंती, पाकिस्तान आतंकवादी नीति केबे सफल हेबो नाही, पाकिस्तान को केबे भी क्षमा करा जाई पारिबो नाही। अन्य देशर अंचल को कब्जा करिथिबा देशर असल चेहरा सामना को आसीबा दरकार। एबे केवल पाक अधिकृत काश्मीर प्रसंग ही बाकी रहिछि, जहार समाधान बाहरिबा उचित बोली जयशंकर पाकिस्तान को कटाक्ष करी कहिथिले। जातिसंघ द्वारा घोषित वैश्विक आतंकवादी को जाणीशुणी आश्रय देउछि पाकिस्तान। पाकिस्तान GDP मध्य मौलवाद एवं आतंकवाद द्वारा मपा जाउछि। खराब नीति जोगु पाकिस्तान समाज बर्बाद हेउछि, पाकिस्तान निजर कर्मर फल भोगुछि, आमे ताहा स्पष्ट देखिपारुछु बोली कहिथिले जयशंकर। पाकिस्तान कहा उपरे अभिजोग करिबाकु योग्य नुहे बोली वैदेशिक व्यापार मंत्री कहिछंती। पाकिस्तान दुनिया को दोष देई परिबो नाही, अन्य देशर जमी को कब्जा करिथिबा एक विफल राष्ट्रर मुकाबिला करिबा आवश्यक बोली भारतर वैदेशिक मंत्री कहिथिले। तबे शुक्रवार दिन जातिसंघ साधारण सभा को संबोधित करी भारत विरोधी टिप्पणी करिथिले पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। जम्मू काश्मीर प्रसंग उठाइथिले, काश्मीर को पालेस्टाइन सहित तुलना करिथिले पाक प्रधानमंत्री। जातिसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव और काश्मीर लोकमानकर इच्छा अनुसार कथाबार्ता पई प्रस्ताव रखिथिले। भारत पाकिस्तान उपरे आक्रमण पई धमक देउछि बोली जातिसंघ मंचरे अभिजोग करिथिले पाक PM। पाक प्रधानमंत्री को टिप्पणी रा लढुआ जवाब मध्य देइथिले जयशंकर। जातिसंघ रे पाक प्रधानमंत्री को टिप्पणी रा ठिकणा जवाब देइथिला भारत। जातिसंघ रे भारतीय कूटनीतिज्ञ भाविका मंगलनंदन पाक प्रधानमंत्री को टिप्पणी रा कड़ा जवाब दखिथिले। राइट टू रिप्लाई रे मंगल नंदन भारत विरुद्ध रे पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद प्रसंग उठाइथिले। जेउ देश भारत विरुद्ध रे सीमा पार आतंकवाद को प्रोत्साहन देइ आसुछि सेही हिंसा विरुद्ध रे कहिबा सबुठारु बड़ पाप बोली भारत कहिथिला। जातिसंघ रे निज भाषण रे वैदेशिक व्यापार मंत्री पाकिस्तान भारत विरोधी एजेंडा को
आहुरी दृढ़ भाव रखिथिले। पाकिस्तान किछि दिन परे एशियो सम्मेलनी आयोजन करिब। सम्मेलनी रे जोगदेबा पई जयशंकर पाकिस्तान जिबार कार्यक्रम रहिछि, किंतु भारत एहि सम्मेलनी को विशेष गुरुत्व देउनाही। तबे दर्शक बंधु, अत्यंत आर्थिक परिस्थिति दे गति करुछि पाकिस्तान। आईएमएफ चुक्ति अनुजाई 1.5 लाख चाकरी को हटाई देला पाकिस्तान, एहा सहित 6 कोटी मंत्रणालय को करिला भंग। आर्थिक संकट दे गति करुथिबा पाकिस्तान रविवार दिन प्राय 1,05,000 सरकारी पदवी हटाइबा, 6टी मंत्रणालय को बंद करिबा एवं अन्य 2टी को मिश्रण करिबा को घोषणा करिछि, जहाकि 7 बिलियन डॉलर ऋण चुक्ति अनुजाई आईएमएफ सहित सहमत होइथिबा संस्कारर एक अंश अटे। अंतर्जातीय मुद्रा पांठि 26 सेप्टेम्बर सहायता पैकेज को अनुमोदन करिछि। एही प्रथम किस्ति भावरे 1 बिलियन डॉलर अधिक राशि रिलीज करिछि, जहाँ परे खर्च ह्रास करिब। टिकस जीडीपी अनुपात वृद्धि, कृषि एवं रियल इस्टेट परि अण पारंपरिक क्षेत्रगुड़ी को टिकस दबा, सब्सिडी सीमित करिब एवं किछि आर्थिक दायित्व को प्रदेश को हस्तांतर करिबारे उन्नति आणिबा पई पाकिस्तान उद्यम करिछि। अमेरिकारु फेरिबा परे गणमाध्यम को संबोधित करी अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब कहिछन्ति जे आईएमएफ सहित एक कार्यक्रम चूड़ांत होइछि, जहाँ पाकिस्तान पई शेष कार्यक्रम हेब। एहा शेष घटना हेब नाही बोली प्रमाण करिबाकु आमर नीति कार्यकारी करिबाकु पड़िबो बोली से कहिछन्ति, एवं G20 रे जोग देबा पई अर्थनीति को आनुष्ठानिक करिबाकु पड़िबो बोली कहिछन्ति। मंत्री कहिछन्ति मंत्रणालय मध्यरे सठिक आकार स्थिर करा जाउछि एवं 6टी मंत्रणालय बंद करिबाकु निष्पत्ति कार्यकारी थिबाबळे 2टी मंत्रणालय मिश्रण करा जिवो। एहा सहित विभिन्न मंत्रणालय रे 1,50,000 पदवी रद्द करा जिवो बोली औरंगजेब कहिछन्ति। टिकस राजस्व वृद्धि उपरे से दीर्घ समय धरि कहिथिले गत वर्ष प्राय 3 लाख नूतन टिकसदाता थिले एवं चलित वर्ष 7,32,000 नूतन टिकसदाता पंजीकृत होइछन्ति, जहाँ देशर मोट टिकसदाता संख्या 1.6 मिलियन रु 3.2 मिलियन को नै जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। यदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए, ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।